हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो SSC रेलवे बैंक या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 1 है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है श्रृंखला, देखिए यहाँ पर 2 रहा है, ठीक है, 2 से क्या हो रहा है यहाँ पर 5 हो रहा है, 5 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 12 हो रहा है, और 12 से यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 58 रहे, और 58 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 2 से क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, अगर 2 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे 5 आ गए, लेकिन उसी प्रकार से क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 3 यानी 5 लिख रहा है, और 5 में क्या 3 को जोड़ेंगे तो क्या ये 12 आएगा, नहीं आएगा, यानी इस प्रकार से श्रृंखला सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक आते हैं, लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए 2 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 के 4 हो गया, 4 में 1 को जोड़ देंगे, देखिए कितना गया 5 आ गया, कितना गया 5 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 5 लिख रहे 12 लिख रहे, तो 5 में क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे, 5 × 2 = 10 हो गया, और 10 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया 12 आ गया। देखिए यहाँ पर 12 दिए, और 12 से क्या लिख रहे 27 लिख रहे, तो 12 में यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो 12 से 2 से गुना करेंगे तो 12 × 2 = 24 होता है, और 24 में यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो 27 आ गया। और उसी प्रकार से देखिए 27 लेकर लिख रहे 58 लिख रहे, तो 27 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 27 में 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, कितना 4 को हमको जोड़ना होगा, 4 को जोड़ देंगे तो 58 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 27 × 2 = 54 हो गया, और 54 में 4 जोड़ देंगे 58 हो गया, और 58 से देखिए क्या लिख रहा है, तो 58 में भी क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 58 में 2 से गुना करेंगे और यहां पर 5 को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 58 × 2 = कितना होता है, यहाँ पर 58 को जोड़ देंगे तो 58 × 2 कितना होता है 116 आ जाएगा, और 116 में 5 को जोड़ देंगे कितना का 21 आ गया, यानी 100 कितना का 21 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 121 हो जाएगा। 121 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए 222 जो है आपको 8 ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 111 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको छोटी संख्या है छोटी संख्या की बड़ी संख्या की तरफ से ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 दिए, 8 को अगर क्या करेंगे कि यहाँ पर 222 आ जाएगा। देखिए 8 में किसी से गुना करने पर हमको 222 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, यानी हमको 222 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 222 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है और 2 हो रहा है, इनको आपस में देखिए जोड़ लेते हैं, ठीक है। सबको आपस में जोड़ेंगे तो 2 × 2 = 4 × 2 = 6 हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है 6 हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे एक बार गुना करके देख लेते हैं। देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 × 4 × 2 = 8 आ गया, देखिए 8 आ गया, यानी गुना करने पर कितना गया 8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए उसी प्रकार से 11 को रखेंगे, यानी 111 को किस प्रकार से रखेंगे, देखिए तो 111 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 1 1 1, इनको भी क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे, जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 1 संख्या भरा जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि आयतों की संख्या कितनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आयतों की संख्या कितना इस आकृति में दिख रही है। देखिए यहाँ पर आयतों की संख्या देखेंगे, देखिए आयतों की क्या देखेंगे, ये वाला बड़ा रखेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला आपको बड़ा हो जाएगा, देखिए ये वाला आपको क्या दिख रहा है, यहां से देखिए यहां से ई हो गया, एक हो गया, ठीक है। एक के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे, ई वाला हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे, 3 आ गया, देखिए एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इनमें आकृति की संख्या कितना दिख रहा है आयतों के, अभी 3 दिख रहा है, 3 के बाद में देखिए एक ई वाला दिखेगा, ठीक है, 3 एक ई वाला दिखेगा, 4 हो गया, और 4 के बाद में देखिए एक ई वाला दिखेगा, क्योंकि 4 के बाद में एक एक ई वाला दिखेगा, नहीं ई वाला नहीं, यहां से ई है ना, देखिए 4 हो गया, और यहाँ से ई वाला दिखेगा, आयतों की संख्या ई वाला दिखेगा,
ठीक है, पाँच हो गया। और पाँच के बाद में देखिए एक यहाँ से ई आयत दिखेगा, कितना क्या छः हो गया। अभी कितने आयतों की संख्या दिख रहा है, छः को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, छः दिख रहा है। यानी इस आकृति में आयतों की संख्या कितना दिया है, छः को दिया है। तो छः को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको चार शब्द है, इन चारों शब्दों में से बताना है कि तीन एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है दर्पण दिया है, दूसरा में मेज दिया है, तीसरा में कुर्सी दिया है, चौथा में स्टूल दिया है, कहते टूल दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले चारों शब्द को ध्यान से देखिए इसमें कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए ये दर्पण है, दर्पण को छोड़ देंगे, उसके बाद देखिए मेज, मेज दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है और स्टूल दिख रहा है, इन तीनों आपको एक समान दिख रहा है। किस प्रकार से तीनों एक समान दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर भी लिख लेंगे, ठीक है, ये फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर के अंतर्गत, यानी अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत आता है या आते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर मेज हो गया, मेज भी हो गया, कुर्सी भी हो गया और यहाँ पर टूल हो गया, स्टूल हो गया। इन तीनों क्या है, इन तीनों आपको फर्नीचर के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन क्या दर्पण आपको फर्नीचर के थोड़े अंतर्गत में आएगा, नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, तीनों एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दर्पण क्या दिख रहा है, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में, यानी कि IDC को यहाँ पर 216 लिखा जाता है और यहाँ पर JH, देखिए JBH को यानी 320 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी GOF को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ID, देखिए C को किस प्रकार से एक से यानी 216 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं I लिखते हैं, ठीक है, I लिखते हैं, D लिखते हैं और C क्या लिख रहा है यहाँ पर 216 लिख रहा है। तो 216 देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, आई का स्थानीय मान 9 पता है, डी का स्थानीय मान 4 पता है, सी का स्थानीय मान 3 पता है। इनको आपस में क्या करेंगे, 216 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इनको आपस में क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर गुना कर लेंगे, तो जब गुना करेंगे तो क्या, गुना करने पर क्या 216 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 9 को 36 हो गया, 36 हो गया और 36 में 3 से गुना करेंगे तो 216 आएगा, नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, तो इसको गुना भी कर लेते हैं, मान लीजिए इसको गुना कर लेंगे, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुना करते हैं 108 मरत में आ जाएगा, ठीक है, क्या क्या 108 आएगा और 108 को क्या करते हैं, इसमें 108 में भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तब आपको क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा, यहाँ पर 216 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाए, 108 हो गया, ठीक है, 108 और 108 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, कितना गया, 216 आ गया। देखिए 216 दिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जे लिख रहे हैं, यानी जे लिख रहे हैं, फिर बी लिख रहा है, फिर एच लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 320 लिख रहा है। ये 320 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए जे, जे का स्थानीय मान, तो जे का स्थानीय मान 10 पाता है, ठीक है, बी का स्थानीय मान 2 पाता है, एच का स्थानीय मान 8 पाता है। इनको भी आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, देखिए यहाँ पर गुना कर लेंगे तो कितना गया, यानी 8 दूनी के 16 हो गया और 16 में करेंगे तो 160 आ गया, कितना का 160 आ गया, ठीक है। और 160 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, जब 160 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर बीच 2 एकम 2 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, कितना का, यानी यहाँ पर कितना का, 16 दूनी के 32 हो जाएगा ना, 16 दूनी के 32 हो जाएगा, देखिए 320 आएगा ना, तो 320 आपको दिया है, ठीक है, 320 लिखा है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि GOF को क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर जी लिखते हैं, O लिखते हैं, F लिखते हैं, इनको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए जी कितने पता है, 7 पता है, O कितने पता है, 15 पता है और यहाँ पर F कितने पता है, F आपको 6 पता है, ठीक है। अब इनको भी क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे, देखिए आपस में गुना करेंगे तो देखिए 15 और यहाँ पर 7 और 6 को आपस में गुना करने पर कितना आ गया, ठीक है, यानी 600 कितना आ गया, 30 आ जाएगा, ठीक है, 630 और 630 में 2 से गुना कर लेते हैं, जब 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 6 दूनी के 12 हो गया और 30 दूनी के 60 हो गया, ठीक है, यानी 1260 आ गया, 1230 आ गया, सॉरी यहाँ पर 1260 हो जाएगा ना, 15 दूनी का 30, यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर 60 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1260 आ गया, यानी GOF को क्या लिखेगा, यानी 1260 हो जाएगा। तो 1260 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छह नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी भारत जो है ना आपको बिहार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि विद्यालय जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको भारत है ना वो बिहार से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार, बिहार जो है ये भारत का अंग है, ठीक है, बिहार है जो वो भारत का अंग है, यहाँ पर रखते हैं अंग को रखते हैं, ठीक है, ये अंग है जो देखिए यहाँ पर बिहार है, बिहार जो है वो भारत का एक अंग होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जो कि विद्यालय का अंग होगा, देखिए अध्यापक क्या विद्यालय का अंग है, नहीं है, ठीक है, अंग नहीं है, यानी कक्षा हो जाएगा, क्या होगा, कक्षा हो जाएगा, देखिए यानी कक्षा यहाँ पर ये आपको कक्षा हो गया, कक्षक जो है ना आपको ये विद्यालय का अंग होता है, क्योंकि देखिए विद्यालय में ही आपको एक कक्षा, दो कक्षा, पांच कक्षा या चार कक्षा होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है अंग है, यहाँ पर कक्षा हो जाएगा। तो कक्षक देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सातवां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने का, देखिए किसी माह की देखिए 10 तारीख को शुक्रवार के दो दिन बाद पड़ता है तो उसी महीने के 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर किसी, देखिए यदि किसी महीने का, ठीक है, किसी माह की 10 तारीख के, 10 तारीख शुक्रवार के दो दिन पड़ता है, यानी दो दिन बाद पड़ता है, ध्यान से दीजिए यहाँ पर पहले ध्यान देना है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 10 तारीख को, यहाँ पर तारीख लिखते हैं, ठीक है, यानी तारीख हो गया, ये 10 तारीख को कौन से बोल रहा है, तो 10 तारीख को यानी शुक्रवार बोल रहा है, देखिए यहाँ पर शुक्रवार हो गया, ये शुक्रवार, ये शुक्रवार हो गया, ठीक है, यानी शुक्रवार, तो 10 तारीख, देखिए 10 तारीख के, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 10 तारीख के शुक्रवार के दो दिन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शुक्रवार के दो दिन बाद कौन सा दिन पड़ता है, तो आपको बताना है, देखिए कौन सा दिन पड़ता है, तो यहाँ पर रविवार पड़ेगा, क्योंकि देखिए शुक्रवार 10 तारीख को शुक्रवार हो गया, तो 10 तारीख को शुक्रवार के दो दिन बाद, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, क्या हो गया, रविवार आ जाएगा, यहाँ पर क्या देखिएगा, रविवार आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या देखिएगा, रविवार, तो दो दिन बाद यहाँ पर भी लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर शुक्रवार के, ठीक है, यानी शुक्रवार के दो दिन बाद, ठीक है, दो दिन, यहाँ पर दो दिन, ठीक है, दो दिन बाद, तो दो दिन बाद कौन सा दिन पड़ रहा है, तो रविवार पड़ रहा है, देखिए रविवार हो जाएगा, ठीक है, रविवार, क्योंकि देखिए 10 तारीख, 10 तारीख का शुक्रवार, देखिए बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि देखिए 10 तारीख, ठीक है, 10 तारीख शुक्रवार के दो दिन बाद पड़ता है, यानी 10, देखिए 10 तारीख जो है ना, 10 तारीख के शुक्रवार के दो दिन बाद पड़ता है, तो देखिए दो दिन बाद कौन सा होगा, रविवार देगा, शनिवार, रविवार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है, दो दिन बाद कौन सा, रविवार, तो आपको बताना क्या है, तो उसी महीने के 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 20 तारीख को बोल रहा है कि कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, तो 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, देखिए तो 20 तारीख को क्या करेंगे, 10 तारीख हो गया, तो 10 तारीख को यहाँ पर देखिए तारीख रखते हैं, ये तारीख हो गया, ठीक है, 10 तारीख, 10 तारीख को कौन सा दिन हो गया, तो रविवार, क्योंकि दो दिन बाद बोल रहा है, ये शुक्रवार नहीं समझिएगा कि शुक्रवार 10 तारीख को बोल रहा है, नहीं, दो दिन बाद बोल रहा है, तो दो दिन, शुक्रवार के दो दिन बाद, तो रविवार हो गया, यानी 10 तारीख को रविवार बोल रहा है, यहाँ क्या है, रविवार हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये रविवार होगा ना, यहाँ पर रविवार, ठीक है, ये रविवार गया, ये क्या बोल रहा है, रविवार, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 में 7 को जोड़ देंगे तो 17 तारीख आ जाएगा, ठीक है, यानी 17 तारीख, तो 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा, तो 17 तारीख को भी आपको रविवार ही होगा, क्योंकि रविवार हो गया, ठीक है, 17 तारीख को रविवार, लेकिन आपको 20 तारीख को बोल रहा है, देखिए 20 तारीख को बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो 17 में 3 को जोड़ देंगे, देखिए तो 17 में यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, जब 17 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 20 तारीख आ गया, ठीक है, जब 17 में 3 को जोड़ देंगे तो 20 तारीख आ गया, तो रविवार में भी हमको 3 को जोड़ना होगा ना, रविवार में भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, जब रविवार में 3 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 17 में 3 को जोड़ देंगे, 20 तारीख को रविवार, रविवार के बाद में यहाँ पर कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या क्या, बुधवार आ जाएगा, यानी 20 तारीख को क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो गया, ठीक है, यानी बुधवार, ये बुधवार हो गया, ठीक है, बुधवार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 20 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार होगा, ठीक है, यानी 20 तारीख को बुधवार हो जाएगा, तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आठवां प्रश्न है, इसमें देखिए देखिए यहाँ पर देखिए एक ही पास एक आपको चार स्थितियाँ दिए गए, नीचे आपको सवाल पूछा है कि देखिए तीन के विपरीत यानी सतह पर कौन सी संख्या होगी, देखिए विपरीत पूछा है, कौन सतह पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगी, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही पास का जब चार स्थितियाँ दिए गए तो दो स्थितियाँ में दो फलक कॉमन मिलाएंगे या तो एक कॉमन मिलाएंगे और वहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, अगर इसमें क्या रखते हैं, एक को देखिए इसमें भी रखेंगे और इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है, देखिए तो कॉमन कौन सा मिल रहा है, इसमें कॉमन देखिए चार मिल रहा है, इसमें कॉमन आपको चार मिल रहा है, लेकिन इसमें तीन का विपरीत सतह पर बताना है, तो तीन के विपरीत इसमें तीन दिया ही नहीं है, इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पर कौन मिल रहा है, चार मिल रहा है, दो मिल रहा है, एक मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, देखिए अगर इसमें भी दोनों को कॉमन मिलाएंगे, देखिए इस कॉमन में क्या मिल रहा है, इसमें पाँच मिल रहा है, इसमें भी पाँच मिल रहा है, ठीक है, इसमें पाँच मिल रहा है, इसमें पाँच मिल रहा है,
देखिए इन दोनों में क्या मिलता है, पाँच पाँच मिलता है, तो पाँच के विपरीत क्या होता है, पाँच होता है। अब यहाँ से घर की दिशा में घुमाएंगे तो छः आ गया, ठीक है, और यहाँ से भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो तीन आ गया, ठीक है, अब तीन आ गए, और यहाँ पर भिखारी की दिशा में घुमाएंगे तो एक हो गया, और एक यहाँ पर चार आ गया, कितने का, चार आ गया। लेकिन तीन के विपरीत बताना है तो तीन के विपरीत आपको यहाँ पर चार दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चार दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर जो फिर से आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो फलक में क्या करेंगे, दो फलक में एक दोनों दो स्थितियाँ में एक फलक कौन मिलाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, पाँच इसमें मिल रहा है और पाँच इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं पाँच के विपरीत यहाँ पर पाँच हो जाएगा, पाँच के विपरीत क्या हो गया, ये पाँच हो गया, ये विपरीत है, पाँच हो गया। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, छः हो गया, छः के बाद में तीन आ गया, तो यहाँ पर क्या गया, देखिए यहाँ पर छः, छः के विपरीत क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर छः गया, छः के विपरीत नहीं दिया है, फिर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तीन दिया है तो तीन के भी विपरीत नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर छः के विपरीत क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन मिलेंगे, एक हो गया, और यहाँ पर देखिए चार हो गया, फिर क्या हो गया, चार हो गया। तो आपको सवाल क्या पूछा है कि तीन के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो तीन के विपरीत देखिए यहाँ पर चार दिख रही है, तो तीन के विपरीत चार हो जाएगा, तो चार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको तीन शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समेत है, और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए क्या दिया, यहाँ पर डॉल्फिन दिया है, फिर शार्क दिया है, और समुद्री जीव दिया है, तो सबसे कॉमन आपको समुद्री जीव मिल रहा है, ठीक है। इन तीनों शब्द में सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, समुद्री जीव हो गया, ये क्या हो गया, यानी समुद्री हो जाएगा, ठीक है, यानी समुद्री, ये समुद्री जीव हो गया। समुद्री जीव के अंदर में ये क्या आते हैं, शार्क डॉल्फिन भी आते हैं, और यहाँ पर शार्क भी आते हैं। देखिए ये डॉल्फिन भी आती है, ये डॉल्फिन भी आती है, और यहाँ पर शार्क भी आती है, ठीक है, ये शार्क भी आती है। देखिए यानी समुद्री जीव, यानी समुद्री ही जीव है ना, समुद्री जीव के अंदर में क्या आते हैं, डॉल्फिन भी आती है, और यहाँ पर शार्क भी आती है। देखिए इस तरह का आपको संबंध हो जाएगा, तो इस तरह का संबंध आपको देखेंगे, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे के प्रत्येक प्रश्न में एक प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक दी गई है, यानी तथा उसके साथ चार उत्तर विकल्प, देखिए उत्तर विकल्प आकृति दी गई है, आपको यह आपको वह विकल्प ज्ञात करना है जिसमें प्राकृतिक निहित हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए से बोल कर रहे, देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आकृति दिया है, ठीक है, एक प्रश्न आकृति है, ये जो प्रश्न आकृति दिख रही है वो प्रश्न आकृति जिस प्रकार से ये दिख रही है ना, इसी तरह के आपको ये बताना है कि चारों आकृति में से किस में नहीं दिख रहे, यानी किस आकृति में दिख रही है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं किस आकृति में ई वाला आकृति दिख रही है। देखिए ई वाला आकृति को क्या करता है कि देखिए इसमें दिख रहा है, देखिए ये आपको उल्टा दिख रहा है, ठीक है, ये इसमें नहीं दिख रहा है, यानी वन में, यानी पहला में नहीं दिख रहा है। दूसरा में देखते हैं, देखिए दूसरा में इस तरह का आकृति नहीं था, हाँ नहीं था, देखिए किस कहाँ नहीं था, देखिए यहाँ पर इसमें दिख रहे हैं, ये बन गया, और देखिए यहाँ से बन गया, इधर बन गया, और इधर से देखिए इधर बन गया, ठीक है, क्या बना है, इधर बन गया, यानी इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी में नहीं था, ठीक है। ये जो प्रश्न आकृति है ना, वो प्रश्न आकृति आपको यानी ऑप्शन नंबर बी में नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चिन्हों को, देखिए यहाँ पर रहा है कि चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न यानी समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण बताना है कि कौन सा चिन्ह को दो आपस में बदल लेंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए इनके समीकरण में क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, तो चिन्ह को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन एक को देखते हैं, यानी इसमें क्या कर रहा है कि भाग की जगह पर क्या बोल रहे हैं, माइनस रखेंगे, और माइनस की जगह पर क्या बोल रहे हैं, भागा रखेंगे, सो यहाँ पर भागा रख दिए। देखिए आप समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है, देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है, 16 भागा कितने दिए, 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, फिर गुना कितने दिए, 6 दिया है, फिर यहाँ पर माइनस कितने दिए, 2 दिया है, फिर प्लस में 8 आ गया, फिर बराबर में 30 हमको लाना है। अब देखिए तो 14 को 16 चार मरत में कट गया, और गुना करेंगे तो एक बार देखिए लिख लेते हैं, ठीक है, यानी 2 हो गया, फिर प्लस में कितना गया, 8 आ गया, ये 8 दिया, फिर आपको बराबर में 30 हो गया। अब देखिए 4 दुनी कितने गए, 14 को 24 हो गया, 24 हो गया, और 24 हो गया, और यहाँ पर क्या गया, 2, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 24 से 2 2 घटा लेंगे तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, देखिए एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है, यानी 2 हो गया, फिर प्लस में 8 हो गया, फिर बराबर 30 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22, और 22 में 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो गया, देखिए यहाँ पर 30 आ गया, यानी किस समीकरण को से संतुष्टि हुआ है, एक समीकरण से संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर देखिए डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कथन को देखते हैं, कथन क्या बोल रहे हैं। देखिए कथन आपको बोल रहा है कि देखिए पहला में करिए सभी सब्जियाँ खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है। मान लीजिए सभी सब्जी है, ये क्या है, सब्जी हो गया, ये सब्जी हो गया, ठीक है। सभी सब्जी जो है ना वो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, एक खाद्य पदार्थ है। तो यहाँ पर कहते हैं खाद्य पदार्थ को रखते हैं, ठीक है, यानी खाद्य पदार्थ हो गया, ये पदार्थ हो गया, ठीक है, खाद्य पदार्थ है। ये बोल रहा है कि सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ है, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ खाद्य पदार्थ पे हैं, लेकिन कुछ जो खाद्य पदार्थ है वो क्या है, पे हैं। तो यहाँ पर पे रोक दिए, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ पालन दिया है, यानी कुछ पे खाद्य पदार्थ हैं। जो कुछ पे है ना, देखिए एक कुछ पे दिख रहा है, एक किस में दिख रहा है, खाद्य पदार्थ में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ है, यानी सब्जियाँ पे हैं, बोल रहा है कि कुछ जो सब्जियाँ हैं ना वो पे हैं। देखिए सब्जी आपको ये दिख रहा है, सब्जियाँ और यहाँ पर पे से किस संबंध से नहीं संबंधित है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।